रहीम अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, महकमा मौसमियात और माहरीन फलकियात ने इस बात की तस्दीक कर दी गई है। ईद उल फितर सऊदी अरब में इस बात का ऐलान कर दिया गया है सरकारी मीडिया पर। और हमारे ज़राए के मुताबिक माहरीन फलकियात ने 20 अप्रैल को ही ईद उल फितर की तारीख का ऐलान कर दिया है। ईद उल फितर किस तारीख को और पाकिस्तान, सऊदी अरब और बांग्लादेश, दुबई में किस तारीख को मनाई जाएगी, जी हाँ दोस्तों आपको बताता हूँ इस वीडियो में। लेकिन उससे कबल, अगर आपने अभी तक भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा, बराए मेहरबानी चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आप ताज़ा तरीन अपडेट से वक्त पर आगाह रह सकें। महकमा मौसमियात और माहरीन फलकियात की जानिब से पेशगोई ये है। लेकिन उससे कबल, अगर आपने जितने भी हमारे मुसलमान भाई बहने इस वीडियो को देख रहे हैं जो मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फॉलो करते हैं, वीडियो को लाइक कर दें। या दोस्तों, माहरीन फलकियात ने बताया है कि आज रात यानी आज शाम 20 अप्रैल की शाम को माहरीन फलकियात ने इस बात की तस्दीक की है कि चांद की पैदाइश हो जाएगी और साइंसी आलाजात के जरिए चांद को देखा जा सकेगा, लेकिन आम आंख इसको नहीं देख पाएगी। कुछ ही जगहों पर इसको देखा जा सकेगा और 21 अप्रैल को ईद उल